के दबाव में झुका रूस, पीछे खींचे अपने कदम, गिलगित बाल्टिस्तान में सैन्य अभ्यास को ना। भारत के भारी दबाव के बाद रूस ने पाकिस्तान की सेना के साथ होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास के स्थान में बदलाव कर दिया है। रूस ने उन खबरों को खारिज कर दिया कि उसकी सेना पाकिस्तान बलों के साथ गिलगित बाल्टिस्तान में संयुक्त सैन्य अभ्यास करेगी और कहा कि आतंकवाद रोधी अभ्यास खबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में होंगे। आपको बता दें कि गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा है। रूसी सेना पाकिस्तान के साथ अपने पहले संयुक्त अभ्यास के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई है। दोनों सेनाएं आतंकवाद रोधी सैन्य अभ्यास फ्रेंडशिप 2016 में हिस्सा लेगी। इस अभ्यास से दोनों देशों के बढ़ते सैन्य संबंधों का पता चलता है। रूसी दूतावास ने नई दिल्ली में एक बयान में कहा, प्रेस के एक वर्ग में आई खबरों के उलट रूस पाकिस्तान आतंकवाद रोधी अभ्यास तथा कथित आजाद कश्मीर या गिलगित एवं बाल्टिस्तान जैसे किसी भी दूसरे संवेदनशील या समस्याग्रस्त इलाके में नहीं हो रहे और कभी भी नहीं होंगे। दूतावास ने पख्तूनख्वा की एक जगह की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अभ्यास केवल चेरात में होंगे। चेरात पेशावर से दक्षिण पूर्व में 29 मील की दूरी पर स्थित। रूसी दूतावास ने रत्तू के हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री स्कूल में अभ्यास होने की सभी खबरों को गलत और शरारतपूर्ण बताया है।